11th रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में पढ़ने वाला है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कितना रुपया लग रहा है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है दोस्तों, A to Z सभी जानकारी आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी और बिहार बोर्ड का हर एक पल का न्यूज़ कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं न्यूज़ में क्या निकला गया है 11th रजिस्ट्रेशन को लेकर दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने 11th रजिस्ट्रेशन के बारे में नोटिस दोस्तों। ठीक है, तो न्यूज़ में दोस्तों छपा हुआ है 30 नवंबर तक होगा 11वीं के विद्यार्थियों का पंजीयन। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट कब है आप जान चुके हैं, 30 तारीख को। जूम करके पढ़ते हैं, ज़िले के सभी +2 विद्यालयों और कॉलेजों में 11वीं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने 23 से 24 के छात्रों के लिए पंजीयन की तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित की है। यदि बोर्ड के निर्देश अनुसार जिन बच्चों का इंटरमीडिएट में पंजीयन नहीं होगा उन्हें मुख्य परीक्षा में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी छात्र उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से निर्धारित फीस भी जमा करना जरूरी है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए ₹485 और स्वतंत्र कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ₹885 शुल्क तय किया गया है। MJK कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK चौधरी ने बताया कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी आदेश के आलोक में 30 नवंबर तक विद्यार्थियों का पंजीयन कराया जाएगा। कितने तारीख तक दोस्तों, लास्ट डेट 30 तारीख है, जिसको लेकर सभी समुचित व्यवस्था किया गया है। संख्यावार काउंटर भी बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अगर आप साइंस के हैं तो अलग काउंटर है, अगर आप आर्ट्स के हैं तो अलग काउंटर है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो अलग काउंटर दोस्तों बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कितना पैसा लगेगा, तो ₹485 और ₹885 दोस्तों। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है रजिस्ट्रेशन कराने में, तो आपके पास जो कोई डॉक्यूमेंट लगेगा सभी डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कराने में 11th के लिए, जो एग्ज़ाम आप 2024 में देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका लगेगा 12th का, आपका जैसे कि 12th का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास 10th का जो एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट होगा, आपके 11th का रजिस्ट्रेशन जो 11th में जो नामांकन करा है नामांकन रसीद लगेगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो हमने आप सभी दोस्तों को सारे जानकारी दे दिया है इस वीडियो में, तो कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।